सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल में आपके लिए एक पत्ती वाला पायदान लेके आए हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे दो कलर का वूल लिया है और 9 नंबर की सिलाई लिया। अगर आपके पास साड़ी है तो आप साड़ी का भी यूज कर सकते हैं, मैक्रम है तो मैक्रम का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिएगा हम फंदे डालना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ वूल से बना रही हूँ, और अगर आप साड़ी से बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 8 या 7 नंबर की सिलाई लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ली है और मैं यहाँ पे 5 फंदे डालूंगी। ये देखिएगा, इसे हमें 5 ही फंदे से बनाना। आप जितना भी बड़ा या छोटा बनाएंगे, स्टार्ट हमें 5 ही फंदों से करनी है। देखिएगा, 3 डल चुके हैं, 4 और ये 5। तो देखिएगा, यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। 1 और ये 2, 2 फंदे हमने उल्टे बना ली इस तरीके से। धागा अपनी साइड में रहेगा और यहाँ पे देखिएगा ऐसे, और ऐसे घुमाते हुए हमने यहाँ पे एक जाली डाल ली। फिर उसके बाद में सिलाई से धागे को ऐसे हमें घुमाना, 1 मिनट देखिए, इस तरीके से धागे को अपने पकड़ा, ऐसे घुमाया और धागा हमारी साइड आ चुका है ऐसे। और बाकी ये 2 फंदे हमें उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करने। देखिएगा, ये 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, पीछे की साइड में सारे फंदे हमें उल्टे ही बनाने ऐसे। देखिएगा, तो जाली वाला फंदा उसको भी, और बाकी जो और भी फंदे उन्हें भी। उल्टी सिलाई बनाने के बाद में फिर से हम सीधी साइड में आ चुके हैं। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे 7 फंदे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले हमने यहाँ पे 2 फंदे बनाए हुए थे, अब की बार में हम 3 बनाएंगे क्योंकि 1 हमारा जाली से बढ़ चुका है। तो देखिएगा, ये बन चुका 3 फंदे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने पहले जाली डाली हुई थी, तो अभी भी हमें जाली डालनी है। धागा हमारी साइड है और देखिए इस तरीके से हमने जाली डाल ली। अब यहाँ से देखिएगा, अब देखिएगा फिर से धागा हमारी साइड है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे इसके ऊपर ऐसे। देखिए एक बार और देख लीजिए, धागा हमारी साइड है, इसके ऊपर हमें ऐसे घुमाना है। तो 1 फंदा ये बढ़ चुका है, बाकी ये 3 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे इस तरीके से। उल्टी साइड में पहला फंदा आप उतार भी सकते हैं 10 से, ये देखिएगा, और सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। उल्टी साइड के हमें सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। फिर से देखिएगा, पहला फंदा हमने उतार लिया, इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4। देखिएगा हर बार हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखिएगा जाली के बीच में आ चुके हैं, तो यहाँ से हमने धागा हमारी साइड था, 1 जाली डाल ली ऐसे, और इसके बाद में क्या करना है, धागे को अपनी साइड करना है और 1 अंटा ऐसे लगाना है इसके ऊपर से। और ये देखिए इधर भी हमारे 4 फंदे हैं, और पीछे की साइड की सिलाई को हम उल्टा ही बनाएंगे। तो ऐसे ही बाकी जालियाँ भी बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा, अभी तक हमने यहाँ पे टोटल 8 जालियाँ डाली हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और देख लीजिए, 9वीं जाली पे पहला फंदा हमने उतार लिया, और ये जो हम जाली डाल रहे हैं उनसे हमारे ये बड़े हुए फंदे हैं उनको हमें उल्टा बना लेना है। ये देखिएगा, इसी तरीके से आपको जितना भी बड़ा बनाना है यही जाली बना लीजिएगा। अब देखिएगा, ये जो चैन है उस पे से हमें 1 जाली डालनी है, धागा हमारी साइड रहेगा। और देखिएगा 1 जाली पड़ चुकी है, दूसरी बार में धागे को अपनी साइड फिर से घुमा कर लाएंगे, और इसके ऊपर से ऐसे घुमाते हुए अंटा लगाया, और ये हमने ये दूसरी जाली बना ली। और सारे जो फंदे हैं लास्ट तक इसको हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, पीछे की सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। देखिएगा, ये सारे फंदे हमें उल्टे बना लेने हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया पीछे की साइड में, और देखिए सारे फंदे इसी तरीके से उल्टे बना लेंगे, जाली वाले फंदे हैं उनको भी। तो ये सिलाई हम ऐसे ही बना लेते हैं। देखिएगा, उल्टी सिलाई बनाने के बाद में हम फिर से सीधी साइड में आ चुके हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से 2 फंदे हमने अपनी सिलाई पर लिए और 2 का 1 कर दिया ऐसे, बाकी सारे फंदों को हमें उल्टा बना लेना है। इस तरीके से जाली वाले फंदे हैं उनको भी,
अभी हम सीधी साइड में हैं और सीधी साइड में भी सारी सिलाई हमें इसी तरीके से पूरी उल्टी बनानी है। ये देखिएगा, आप जितना भी बड़ा बनाएंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे जाली भी डालिएगा। आप फिर से हम इसके लास्ट में आ चुके हैं, तो लास्ट में क्या करेंगे, ये दो फंदे बचे हुए हैं, दो फंदों का यहाँ पे हमें एक फंदा कर लेना है। ऐसे पीछे की साइड की पूरी सिलाई हमें उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करनी है। चलेगा, उल्टी सिलाई बनाने के बाद में फिर से हम सीधी साइड में, तो हमने यहाँ पे दो फंदे अपनी सिलाई पे लिए ऐसे और इनको एक कर दिया। पूरी सिलाई को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, लास्ट में फिर से दो फंदे कम कर देंगे। पीछे की साइड की सिलाई को हमें उल्टा ही बनाना है, जिस तरीके से आगे हमने फंदे बढ़ाए हुए थे उसी तरीके से हम आगे की साइड से ही फंदे घटाएंगे, पीछे की साइड से कोई फंदा घटाना बनाना नहीं है। तो बस ऐसे ही करती है, दोनों साइड से हम एक एक फंदा कम करेंगे। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे भी हमने एक फंदा कम किया, अब लास्ट में भी आ चुके हैं, तो देखिए लास्ट में भी दो फंदों का एक फंदा हमने बनाना है ऐसे। तो इसको भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तीन फंदे बचे हुए हैं अब हमारे पास में, ये देखिएगा इस तरीके से एक कम हुआ और इस साइड से हम एक और कर देंगे ऐसे। लास्ट में एक ही फंदा बचा हुआ है, यहाँ से इसको कट करके नोट लगा देंगे। तो देख लीजिए हमने यहाँ से कट कर दिया है इसको, और ऐसे निकालते हुए इसमें हमने एक नोट लगा दी। तो देखिएगा इस तरीके से हमारी एक पत्ती बन के कम्प्लीट हो चुकी है, बाकी और भी पत्तियाँ हम बना के ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने इसकी छह पत्तियाँ इस तरीके के बनाकर कंप्लीट करी हैं। अब हम इसे जॉइंट करेंगे, तो देखिए कि जॉइंट किस तरीके से हमें इसे करना है। इस तरीके से हम दोनों पत्तियों को उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से हम इसकी सिलाई करनी है, और देखिएगा इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिएगा इस तरीके से हमने दो पत्तियाँ जॉइंट कर ली। अब तीसरी पत्ती को हम यहाँ से जॉइंट करेंगे ऐसे, देखिए ये सीधी साइड है और हम यहाँ से देखिएगा उल्टी साइड से यहाँ पे जॉइंट कर रहे हैं, तो इसको भी हम ऐसे उल्टा कर लेंगे और यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सिल्क कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसमें एक फ्लावर भी लगाया हुआ है। सो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।